ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हमने ऑलरेडी चैप्टर को डिस्कस कर लिया। अभी हमारा प्रैक्टिकल सेशन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड दैट वाज ऑब्जर्व्ड बाय हैंस क्रिस्टन इन 1860 एंड आफ्टर द डेवलपमेंट आइडिया ऑफ दैट टाइप ऑफ प्रिंसिपल आवर लाइफ बिकेम वेरी वेरी इजी। उसी में हमें तीन तरीके का रूल पढ़ना था। एक पहला था राइट हैंड पर किसक्रो रूल, उसको ऐसे बोला गया कि ये थंब जो होता है वो क्या बताएगा इलेक्ट्रिक करंट को, दे रेपिंग फिंगर्स दिखाती क्या है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। उसके अलावा हमने दो चीजें और पढ़ी, एक था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और दूसरा था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बेस पे मोटर बना हुआ है और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के ऊपर जनरेटर बना हुआ है। जैसे मान लो अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड है और इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है फादर मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। फादर का मतलब ये फोर्स हो गया, मदर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड का मतलब करंट। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर इलेक्ट्रिक मोटर डिपेंड है, जो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मोटर है ये, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक मोटर इस पे लगा हुआ है। हाउ इट फंक्शन, इलेक्ट्रिक मोटर का फंक्शन होता है कि व्हेनेवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द सिस्टम इट प्रोड्यूसेस काइनेटिक एनर्जी। जैसे देखिए यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है, मैं इसको चलाऊंगा तो ये लाइट जो है वो ब्लिंक करनी स्टार्ट कर देती है। इससे साबित होता है कि मेरे काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये तो ये कंसेप्ट है जो कि हमने पढ़ा था अभी, जिसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं, जिसके ऊपर मोटर डिपेंड है और मोटर बना हुआ है, मोटर के बहुत सारे यूटिलाइजेशन है। दूसरा जो हमारे पास डिवाइस है जो फंक्शन करता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये राइट हैंड हो गया, राइट हैंड में भी सेम वही है फादर मदर चाइल्ड। ये फादर क्या हो जाएगा फोर्स को दिखाएगा, मदर क्या दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, ये चीफ और चाइल्ड क्या दिखाएगा करंट को दिखाएगा। बट हुआ क्या कि ये दो अलग अलग साइड्स हो गए, एक साइड से हमारा मोटर फंक्शन करेगा और दूसरे साइड से जनरेटर फंक्शन करेगा, और दोनों को मिला करके ऐसे ऐसे करोगे तो हनीसिंग फंक्शन करेगा, ठीक है। यो हनीसिंग, ठीक है। तो अब जो दूसरा कंसेप्ट है उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो है एक डिवाइस है, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिवाइस, ठीक है। ये कैसे फंक्शन करता है देखते हैं। ये जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिवाइस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिवाइस होता है, इंड्यूस करने के लिए कभी भी एक्स्ट्रा करंट लगता है। आपने देखा होगा जितने भी डिवाइस होते हैं उसमें कैपेसिटर लगाए जाते हैं तभी वो चलेगा। वैसे मैं घुमा रहा हूं, घूमेगा नहीं, टूट ही जाएगा, तो इसको पहले ऐसे घुमाना पड़ेगा। करंट इंड्यूस होना चालू हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फंक्शन करता है। अभी मैं इस पे आपको लाइट जलाकर दिखाता हूं, ठीक है। वीडियो स्टॉप करना वो मतलब है, ठीक है। अब बल्ब लगा दिया है, अब इसको चलाने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, अभी दूसरा मैं बताता हूँ कंसेप्ट। डिवाइस है जिसे बोलते हैं ऑन करता हूँ, ये मल्टीमीटर है, ठीक है। इसको हम वोल्टेज पे ले जाकर के खड़ा करेंगे, कितने वोल्टेज है ये वोल्टेज दिखा रहा, ठीक है, जीरो है ना। अब इसमें हम कंडक्टिविटी करेंगे, कितना
शेप। ये आपके पास सेल है, 9 वोल्ट की बैटरी होती है, देखते हैं पहले चेक करके पकड़ लें। क्या पकड़ो? सेल पकड़ो। सीरीज बैटरी नहीं है दिया ये। Now तो listen here, we are just going to checking the कितना induced current बना रहा है, इस पे आप लोगों को देखना है, ठीक है? ये जो है हमारे पास एक सीरीज तैयार हो गया है, this is called induction machine, मोटर तो हमने देख ही लिया था। इंडक्शन मशीन जब भी आप इंड्यूस करते हो तो इसको चलाने के लिए कैपेसिटर लगे होते हैं, किसी भी डिवाइस में देखना कैपेसिटर होता है तभी वो रन करेगा, ठीक है? ये कैपेसिटर लगा होता है तभी इसको रन करता है, उसके बाद इसको चला करके ये जो होता है ना वोल्टेज शो करता है, इसको एक बार और चेक कर सकते हैं हम कितना वोल्टेज हो रहा है, एक बार किस इलेक्ट्रोड सही करके रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस तरीके से मशीन काम करता है। और यही चीज हमें डिस्कस करना था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जनरेटर बनता है। अब देखो जनरेटर क्या कर रहा है, ये जो है ना ये मैग्नेट लगा हुआ है, ये मैग्नेट जब मूव करता है तो मूवमेंट के कारण क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बन रही है, और उस काइनेटिक एनर्जी को ये देखो एक क्वाइल लगी हुई है, ये क्या कर रहा है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे रहा है। अब इससे बल्ब आप आसानी से लगा सकते हो, ये जो है ना ये इलेक्ट्रोड घुस नहीं पा रहा उसमें, इस वजह से दिख नहीं रहा, नहीं तो ये बल्ब जलेगा। तो पहले तार ये ओपन था, अब जो है क्लोज कर दिया हमने, ठीक है? तो इस तरीके से फंक्शनल होता है और इस तरीके के डिवाइसेस काम करते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारा यूटिलाइजेशन, जितने भी डिवाइसेस अपने पास देख रहे हो उनमें मैक्सिमम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक जनरेटर हो, मोटर हो, या एनी टाइप ऑफ फंक्शनल डिवाइस, रेक्टिफायर हो, सब इस तरीके के टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो ये हमारे पास डिवाइस है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मशीन कहते हैं। वो हमारे पास एक मोटर था जो कि लाइट हमने जला कर देख लिया। ये जो है हमारा टोटल चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब इसका नोट्स लेकर और अदर चीजें आप लोगों को सर्वाइव और प्रोवाइड कराई जाएगी। ये जरूर याद रखना, दिस टाइप ऑफ टू टाइप्स ऑफ द रूल एग्जाम में हमेशा आता है, ठीक है? याद ना आए तो यो यो हनी सिंह याद रखो। और जैसे कि इसने बोला था फादर मदर और चाइल्ड, एक नया इनोवेटिव आइडिया लेकर के आया, ठीक है? फादर मदर और चाइल्ड, इसे आप इसे याद कर सकते हो। दोनों में सेम कंसेप्ट लागू हो रहा है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज होने के बाद डिवाइस भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये मोटर के लिए है और ये जनरेटर के लिए, और ये
कॉर्क स्क्रू रूल, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, किसी को ठेंगा दिखा रहे हो ना, तो मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल को फॉलो कर रहे हो। ठेंगा क्या दिखा रहा, ये दिखा रहा करंट को, और ये दिखा रहा रैपिंग फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को। यही कंसेप्ट हमें डिस्कस करना था, ये हमारा खत्म हो गया। ओके, थैंक यू।